जल्दी ये है बैंडल, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। यश ओडिशा से अभी पार कर चुका है, पश्चिम बंगाल में बस आने ही वाले हैं। सब कोई डरे हुए हैं, वेट कर रहे हैं उनके, अब पता नहीं क्या होगा। ये नदी से पानी बाहर आके घरों में गांव में घुस रहे हैं। अभी चारों तरफ डर का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। ये तो गंगा जी के आसपास है, अभी ये आपको दिखाएंगे वो दीघा जो पश्चिम बंगाल का वो समुद्र तट का इलाका है, वहाँ पर देखिए क्या भयानक रूप है यश का। अभी तक आया नहीं पूरे तरह से, फिर भी ये है, ये करीब कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर दूर है ये। ऐसे ही गांव वालों बहुत ही परेशान है और थोड़ा बहुत बारिश हुआ। और ये है आपका बजबज का वो काली मंदिर जो पूरी तरह गंगा के, गंगा जी के अंदर में आ चुके हैं। तो अभी आप सावधानी से रहिए, जितना हो सके कम निकले, सावधानी से रहिए। सिर्फ ये नहीं है, काफ़ी सारा लोग हैं जो ये मौका इसमें भी इंसानियत को खोने नहीं दिया, जैसे कि ये दीना भाई, उमेश भाई, सेंटू, प्रशांत, श्यामा, पापून जैसे आदमी जो कोरोना का डर से भी वो घर पे बैठे नहीं हैं। ये लोग कुछ स्कूल को उसको रेंट में लिए हैं और वहाँ से वो गांव वालों को उठा के लेके आए हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको पीने के लिए ये पानी दे रहे हैं। मतलब दैट्स, ये इंसानियत को अभी भी ये लोग जिंदा रखे हैं। ये बहुत बहुत नेक काम है। अगर ये भी आपके आसपास भी ऐसे मिलेंगे, बहुत सारा आपके आसपास भी दीना, उमेश भाई, प्रशांत, भुलू भाई, सेंटू भाई जैसे बहुत सारे मिलेंगे, हो सके तो आप इनको मदद कीजिए, ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि ये लोग रियली नेशनल हीरो है। ये लोग सही में बहुत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब ये पता नहीं ये कौन सा पॉलिटिकल कलर है, क्या है ये, पर सबसे ऊपर इंसानियत है। Hats off to these guys। अगर आप हो सके अपने आप को सेफ रखिए कोरोना से, और हो सके तो आसपास के आदमी को थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए। जस से मुकाबला कर लेंगे, जो भी हो हम लोग कर लेंगे। आप सेफ रहिए, सबको सेफ रखिए। थैंक यू।